नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। तो आज मैं आपके लिए कोरोना न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो पहले हेडलाइन है हमारे पास कि सरकारी स्कूलों में 4 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 96 नए मामले हमारे पास आए हैं। ये न्यूज़ है हमारे पास आज की। तो आइए मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कि कहाँ कितने केसेस आए हैं। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कोरोना संक्रमित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बुधवार को कमी आई है। बुधवार को सिर्फ विद्यार्थियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसमें 2 विद्यार्थी कांगड़ा जिला और एक एक विद्यार्थी हमीरपुर और चंबा से हैं। जो 4 विद्यार्थी संक्रमित हुए हैं उनमें से 2 विद्यार्थी कांगड़ा जिले के हैं और एक हमीरपुर और एक चंबा जिले से हैं। चंबा में संक्रमित हुआ विद्यार्थी 6ठी कक्षा का है और शेष बचे 3 विद्यार्थी वो जमा एक और जमा दो कक्षा के हैं। अभी तक 576 विद्यार्थी संक्रमित हो चुके हैं, 458 विद्यार्थी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 67 अभी भी एक्टिव मामले हैं। यानी कि अभी तक जितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो हमारे सामने 576 और 458 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बच्चे विद्यार्थी संक्रमित जो थे वो ठीक हो चुके हैं और 67 अभी एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ ही कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, हिमाचल में कोरोना से जिला कांगड़ा में 80 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 96 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में बुधवार को 6,388 लोगों की सैंपलिंग की गई, मौत का आंकड़ा 3,806 पहुंच गया है। एक्टिव मामलों की संख्या 1,193 पहुंच गई है। तो कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा 1,160 मौतें हुई है। तो हिमाचल में अब तक कोरोना से जिला कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 1,160 मौतें हुई है। जिला शिमला दूसरे नंबर पर है, यहाँ 646 संक्रमित ने दम तोड़े हैं। जिला मंडी तीसरे नंबर पर है। प्रदेश में लगातार संक्रमितों की मौत से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मौत पर अंकुश लगाने को कहा है। बड़ी बात यह है कि जिला कांगड़ा में 11 दिन के भीतर 30 लोगों ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। प्रतिदिन 120 से 150 के बीच नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। 20 दिन के भीतर मौत के आंकड़ों में उछाल आया है। तो केसेस तो कम आ रहे हैं पर मृत्यु दर बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि प्रदेश में जिन लोगों की मौत हो रही है उन्हें कोरोना के साथ साथ अन्य दूसरी गंभीर बीमारी भी हो रही भी थी। ठीक है, ज़्यादातर मौतें 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की हुई है। 40 साल से कम उम्र के करीब 5 से 7 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। तो 4 नए मामले आए हमारे पास आज के दिन और 96 पूरे जो टोटल है हिमाचल प्रदेश में 96 मामले आए हैं। ठीक है, 2 कांगड़ा जिले में आए हैं, एक एक चंबा और हमीरपुर जिले में आए हैं हमारे पास। तो देखते हैं आज जैसे कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो आपके स्कूल बंद भी हो सकते हैं। ये तो हमारी सरकार पर डिपेंड करता है कि वो उसका स्कूल बंद करना चाहते हैं या नहीं। चलो अभी कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं पर मृत्यु दर बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर कुछ बड़ा अपडेट आता है स्कूल न्यूज़ के ऊपर तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। अगर जिन्होंने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। सबसे पहले छोटा मोटा अपडेट टेलीग्राम पर ही आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।